नमस्कार। आज दिनांक 17 जुलै 2014 आजची तिथी आषाढ वद्य षष्ठी वार गुरुवार। सिटी न्यूजच्या प्राइम टाइम बातमीपत्रात प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत। बातमीपत्राची सुरुवात करूया सुविचार मालेने। आता बघूया बातमीपत्रातील ठळक बातम्या। अपहरण की प्रेम प्रकरण, अचलपूरचं अपहरण नाट्य संशयाच्या भोवऱ्यात, पोलीस करताहेत सखोल तपास। ऑटो डील संघटनेवर कारवाई, फ्रेझरपुरा ठाण्यात घातला गोंधळ, प्रकरण ऑटो डील मधून गाड्या विक्रीचे। अपंगांना कायदेविषयक मार्गदर्शन, जिल्हा विधी सेवा व अपंग संस्थेचा उपक्रम, अपंग डीएड महाविद्यालयात आयोजन। ट्रान्सपोर्ट कामगारांचं धरणं, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचाही पाठिंबा, शासकीय स्तरावरील प्रश्न सोडवण्याची मागणी। फ्रेझरपुरा ठाण्यातर्फे इफ्तार पार्टी, रोजेदारांना पोलिसांनी दिली मेजवानी। चला बघूया बातम्या विस्तारित स्वरूपात। 7 जुलैला निघालेल्या शासन निर्णयानुसार घरमालकांना भाडेकरूंची माहिती व ऑटो डीलवाल्यांना जुन्या गाड्यांच्या खरेदी विक्रीची माहिती पोलिसांना देणं अनिवार्य आहे। या निर्णयावर अंमलबजावणी करून फ्रेझरपुरा पोलिसांनी जाकीर ऑटो डीलवर कारवाई केली। याविरोधात अमरावती ऑटो डील संघटनेनं फ्रेझरपुरा ठाण्यात गोंधळ घातला। पोलिसांनी या गोंधळ घालणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत। गुरुवारी फ्रेझरपुरा पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार रियाजुद्दीन देशमुख व अमरावती ऑटो डीलर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली। हा वाद विकोबाला गेला व ठाण्यातील वातावरण तंग झालं। पोलिसांनी ठाण्यात आलेल्यांवर कारवाई करून गुन्हे दाखल केले। अमरावती शहर पोलीस आयुक्तालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार शहरातील घरमालकांना त्यांच्या घरातील भाडेकऱ्यांची माहिती संबंधित पोलीस ठाण्याला द्यायची आहे। त्याप्रमाणेच शहरातील जुन्या वाहनांची खरेदी विक्री करणाऱ्यांना याविषयीची माहितीही वेळोवेळी पोलिसांना देणं बंधनकारक आहे, अन्यथा पोलीस कारवाई करतील। या अध्यादेशाचं पालन न केल्याबद्दल फ्रेझरपुरा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे। ठाणेदार रियाजुद्दीन देशमुख व अमरावती ऑटो डीलर संघटनेत या विषयावरून शाब्दिक चकमक उडाली, याचं पोलिसांनी दिलेल्या कारणानुसार पोलिसांनी जाकीर ऑटो डीलची तपासणी केली। तपासणीत त्यांनी 4 वाहनांची खरेदी विक्री केल्याचं उघड झालं, ज्याची सूचना पोलिसांना दिली गेली नव्हती। याबाबत पोलिसांनी जाकीर ऑटो डीलच्या संचालकांना ताब्यात घेतलं। याविरोधात ऑटो डीलर संघटनेने संतप्त प्रतिक्रिया देत पोलीस ठाण्याला धडक दिली। या दरम्यान संघटना पदाधिकारी व ठाणेदार देशमुख यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली। वाद वाढत असलेला पाहून पोलिसांनी आपल्या कारवाईला सुरुवात केली, तेवढ्यात आमदार रवी राणा यांचा फोन आला। हे प्रकरण निपटवावं असं त्यांनी फोनवरून सांगितलं। पोलिसांपुढे सगळेच समसमान ही नीती वापरत ठाणेदार रियाजुद्दीन देशमुख यांनी सर्वांना बाहेर काढलं व ऑटो डीलर संघटनेच्या अध्यक्षांसमवेत 24 जणांवर गुन्हे दाखल केले। कलम 143 IPC व कलम 120 135 BP Act अंतर्गत गुन्हा दाखल केला। पहिले एकाच आरोपीवर गुन्हा दाखल होणार होता, ते रवी राणांचा फोन आल्याने सगळ्यांवरच गुन्हे दाखल झाले। पोलिसांनी आपला पक्ष बरोबर असल्याचं म्हटलंय, तर ऑटो डीलर संघटनेनं ठाणेदार रियाजुद्दीन देशमुखांवर हिटलरशाही व मनमानीचा आरोप लावलाय। मुंशी, अमरावती ऑटो डील युनियनचा सदस्य, अमरावती ऑटो डील युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांना इथे आतमध्ये टाकलेलं आहे, विनाकारण न काही कुठल्याही पद्धतीची नोटीस न देता आणि हातापाई करून इथले जे आहे पोलीस निरीक्षक यांनी आम्हाला मारझोड करून आणि आमच्यावर इतके अत्याचार करून आले। जसे नाही, आम्ही गुन्हेगार आहे, आम्ही गुन्हे कुठल्याही पद्धतीचे आमच्यावर गुन्हे नसताना, काही कुठल्याही पद्धतीचे आम्हाला इंटिमेशन न देता यांनी सरळ सरळ आमच्यावर अत्याचार केलेले आहे आणि आम्हाला यांनी मारझोड केलेली आहे। आता आम्ही याची कंप्लेंट CP साहेबांजवळ करणार आहे। याच्यावर आता याच्यानंतरची सगळी जबाबदारी ही CP साहेबांची राहणार आहे। सगळ्यांना निवेदन देऊन आम्ही याच्यानंतरची आम्ही जी रणनीती आहे ती आखणार आहे। लग्न ठरले म्हणून लग्नाचे कंत्राट कॅटरर्सला दिले, 1.5 लाख रुपये ॲडव्हान्सही दिला, मात्र कॅटरिंगवाल्याने ॲडव्हान्स गिळंकृत केला व वेळेवर दांडी मारून यजमानाची फजिती केली, ती निराळीच। अंतू महाराज जोशीविरुद्ध ही तक्रार आहे।
36 वर्षीय शांता गोपी धोटेकडील लग्नाचं कंत्राट अंतू महाराजांना दिलं होतं। 4 जुलैला हा विवाह होता। 1.5 लाख रुपये ॲडव्हान्स अंतू जोशींना दिला होता। मात्र अंतू महाराज जोशींनी वेळेवर चाट मारून फिर्यादीची लग्नासारख्या प्रसंगात फटफजीती केली व पैसे गेले ते निराळेच। 3 लाख रुपयात हा सौदा ठरला होता। अंतू महाराजांविरोधात शहर कोतवाली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे। अंतू जोशींबद्दल याआधीही अशा प्रकारच्या फसवणुकीचे आरोप आहेत। चार्ली कमांडो बुधवारी रात्री गस्त घालत असताना त्यांना तहसीलजवळ बेवारस दुचाकी सापडली। ही गाडी पोलिसांच्या सुपूर्द करण्यात आली। तपास केला असता अचलपुराहून ही दुचाकी चोरीला गेल्याचं निष्पन्न झालं। बुधवारी रात्री चार्ली कमांडो नंबर 1 व NCP अनिल निर्मळ पोलीस कॉन्स्टेबल उमेश गस्त घालत असताना त्यांना तहसील नजीक बेवारस दुचाकी आढळली। MH 27 AU 4522 क्रमांकाची ही गाडी पोलीस ठाण्यात आणली गेली। तपास केला असता ही गाडी अचलपूरच्या हिरापुरा येथे राहणाऱ्या सय्यद सुलेमान यांची असल्याचा खुलासा झाला। ही गाडी चोरीला गेली होती व 71/14 अंतर्गत याविषयी अचलपूर ठाण्यात FIR दाखल असल्याचंही निष्पन्न झालं। अचलपुरातून शालेय विद्यार्थिनींचं अपहरण झाल्याच्या वृत्ताने खळबळ माजवली। परंतु हे अपहरण झालंच नाही, प्रेम प्रकरण होतं अशी गुप्त माहिती आहे। मात्र पोलिसांनी अद्याप अधिकारिक पुष्टी याला दिलेली नाही। अचलपूरच्या 3 विद्यार्थिनींचं अपहरण झालं। या खळबळजनक घटनेची दखल घेऊन खुद्द ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांनी घटनास्थळी दाखल होऊन तपास केला। मात्र पोलिसांनी तपासचक्र फिरवूनही काहीही हाती लागलं नाही। ना विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली। या सगळ्याचा तपास करताना पोलिसांच्या हाती काही लागलं नाही। जेथून तपास सुरू केला तेथेच हा तपास थांबला, त्यामुळे संशयाचा आवर्त निर्माण झालं। ज्या मुलीने स्वतःसमोर अपहरण झाल्याची माहिती पोलिसांना दिली ती काल्पनिक तर नाही ना, अशी संशयाची पाल येथे चुकचुकली। 2 गाड्या, त्यांचे रंग, त्यातून 3 मुलींचं अपहरण, या गोष्टी खऱ्या की खोट्या असा प्रश्न निर्माण झाला। पोलीस गाड्यांचा कसून तपास करत आहेत। पोलिसांचा तपास आता मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार सुरू आहे। बोपापूरची 11वीची व रहिमापूरच्या 10वीच्या दोघी अशा 3 मुली बुधवारी सकाळी 7 वाजेपासून घरून बेपत्ता झाल्या होत्या। त्या सूर्यास्तानंतर उशिरा घरी परतल्या। मात्र या माहितीची पुष्टी पोलिसांनी केलेली नाही। दुसरीकडे शाळेमधील पटावर विद्यार्थिनींची पूर्ण उपस्थिती दर्शवली आहे। या विद्यार्थिनींचं 10:30 अपहरण झालं होतं, मग त्या शाळेत हजर राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही। तरी पटावर गैरहजेरी नाही हे कसं? हे सगळे धागेदोरे जुळलेले नाही। अपहरणाचं नाट्य प्रेम प्रकरणातून केलं गेलं, या दिशेनं पोलिसांचा तपास आता सुरू आहे। त्या मुली तर मिळाल्या, परंतु ते मुलं कोण याचाही तपास पोलीस करत आहेत। लवकरच या नाट्यावरचा पडदा उचलला जाणार आहे। सिटी न्यूज प्रतिनिधी नितेश किल्लेदार यांनी घटनेची साध्यंत माहिती दिली आहे व SDPO पवनीकर यांच्याकडूनही माहिती घेतली आहे। कल सुबह 8:30 पुलिस को यह खबर मिली है कि निज़ामपुर रोड पर 3 छात्राओं का अपहरण हुआ है और उनको एक गाड़ी के अंदर ले जाया गया। आपको क्या जानकारी मिली है पुलिस को? अभी तक तो यहाँ की जो लेडीज या स्टूडेंट या कोई ऐसी महिला है इसके बारे में मिसिंग हुआ, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई पुलिस स्टेशन में। लेकिन सतर्कता हमने रखे है कि थोड़ा पेट्रोलिंग करो और उसके बाद में कोई आता है तो फिर कार्रवाई करो। कल से इस मामले की जांच करने के लिए यहाँ पर कौन से वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, जिन्होंने किस प्रकार कार्रवाई शुरू की? ये तो हमारी एक ड्रिल रहती है कि कुछ रहा तो अपन कितने घंटे में हम पहुँच सकते हैं, कितने टाइम में पहुँच सकते हैं, ये हमारी एक प्रकार की ड्रिल भी रहती है। और ऐसी कोई घटना हो गई या ऐसी कोई रिपोर्ट अगर आती है तो उसके ऊपर फिर हमारा वो सोचना चालू है। कुल मिलाकर नाकाबंदी कहाँ कहाँ की गई थी? अचलपुर थाना में बैठकर खुद SP वीरेश प्रभु साहब बैठे थे, और कहाँ कहाँ पर नाकाबंदी लगाई गई थी शहर के अंदर? नाकाबंदी शहर में भी थी और उसके बाद में पूरे ज़िले में भी नाकाबंदी थी और आज भी नाकाबंदी है और हमेशा ये नाकाबंदी चलती रहती है। वर्तमान के अंदर जो शालाओं के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर छात्राएं अनुपस्थित थी, जो कल बाद में वो घर पर पहुंच गई, तो इन छात्राओं की सूची भी अपने पुलिस स्टेशन में बुलाई है? हाँ बराबर है, जितने भी छात्राएं स्कूल में या कॉलेज में जाती है तो उसके बारे में पूरा वेरीफाई हो चुका है। पूरी जितनी भी गैरहाजिर है नहीं है इसके बारे में पूरा इंक्वायरी कर चुकी है। इसके बाद पुलिस क्या इन दो बेस्ट को लेकर चल रही थी, एक दर्शना की शिकायत और एक दिन पहले सरमसपुरा थाने के अंदर हुई शिकायत को लेकर पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही थी?
हाँ ये तो बराबर है कि वो उसके बारे में तो जांच करना ही करना है। अभी वर्तमान में यह घटना के अंदर से पर्दा उठा है या नहीं है, अभी भी कुछ राज बाकी है? ये तो पर्दे का सवाल ही नहीं आता उसमें, क्योंकि मिसिंग रिपोर्ट अगर होती तो बात अलग थी, लेकिन जो सरबसपुरा में हुआ है यानी इसके बारे में तो अभी तो कोई जानकारी नहीं। एक मारुति वैन पकड़ी है जिसके ऊपर बालाजी का सिंबल है, उस बारे में क्या पुष्टि हुई? नहीं अभी तक तो इसके पूछताछ करेंगे हम, इंक्वायरी करेंगे। और कुल मिला के आप जो जनता जो है, जो अभिभावक है, जो पालक है, वे परेशान हैं अपने बच्चों के प्रति, जो आज सुबह से वो अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने लग रहे हैं, उनको उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बच्चों के प्रति, उनके छात्राओं के प्रति? हमारे पास में वैसे भी बच्चे जो स्कूल में जाते हैं सुबह शाम और दोपहर में भी आते हैं, उस टाइम में बीट मार्शल की पेट्रोलिंग लगी हुई है और महिला कर्मचारी भी इसके बारे में घूम रही, फिर भी अगर अनोखी अगर कोई आदमी बोलता है तो उसकी गाड़ी पे ना बैठना नहीं चाहिए और उसको कोई रिस्पांस ना देते हुए अपना अपने घर के लिए या स्कूल के लिए जाना चाहिए। ये जो आज के दौर के अंदर कुछ युवतियाँ लड़कियाँ जो है वो चेहरे पे नकाब बांधकर घूमती है, इसके प्रति भी कुछ कानून है क्या, उसके अंदर प्रावधान कोई कार्रवाई? हाँ वो जो है उसके बारे में हम पूरा रिव्यू ले रहे हैं उसके बारे में, और चालान अगर कोई अगर दुपट्टा बांध के अगर कोई गाड़ी पे जा रहा है या कोई भी ऐसा पैदल भी जा रहा है तो उसके बारे में हम इंक्वायरी पूरी करेंगे। अगर इंक्वायरी में अगर हमको लगता है कि इसका इसने गुनाह किया है तो उसके बारे में उसको उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अचलपुर पुलिस उन तीन छात्राओं की तलाश कर रही है जिन्हें कल सुबह 8:30 बजे एक सफ़ेद रंग की मारुति कार जिसके ऊपर बालाजी का निशान था, जिसमें नकाबपोश कुछ 3 से 4 लोग बैठे थे, उन्होंने अगवा करने की घटना हुई। इस घटना की शिकायत कुमारी दर्शना प्रमोद तिखिले इस 10वीं कक्षा की छात्रा ने अचलपुर थाने में दर्ज कराई है। दर्शना को घटनास्थल पर ले जाया गया, घटनास्थल पर खुद एसपी वीरेश प्रभु, उनके साथ एडिशनल एसपी पुरुषोत्तम कराड़, साथ ही पूरा पुलिस महकमा घटनास्थल पर जाकर जांच करता है, और पूरी जांच होने के पश्चात भी अब तक कोई पालक कोई छात्रा के परिजन यह थाने में शिकायत दर्ज करने नहीं आए हैं कि घटना हुई है और हमारी बेटियां गायब हैं। परंतु विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि यह मामला प्रेम प्रकरण का दिख रहा है। प्रेम प्रकरण में यह मामले होते रहते हैं, यह बात कोई नई नहीं है, लेकिन आपको यह बता दी कि एक दिन पहले सरमसपुरा थाना अंतर्गत आने वाले वेंकटेश स्कूल के पास 5 छात्राओं को एक नकाबपोश चाकू के धाक पर डराता है, वाहन में बैठने को कहता है, और इस मामले की शिकायत वेंकटेश शाला के प्राचार्य देशपांडे सरमसपुरा थाने में करते हैं, और 363 सहित विविध धाराओं सहित अपहरण का मामला दर्ज होता है। यह होने के बाद दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे घटना होती है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है। इन दोनों घटनाक्रमों को देखते हुए पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस हर एक पुलिस जवान आंखों में तेल डालकर इन अपहरणकर्ताओं को तलाश कर रहा है। वहीं पुलिस का जो खुफिया विभाग है वे भी गांव-गांव जाकर यह पुष्टि कर रहा है कि किनकी छात्राएं गायब है, कौन से परिवार की बेटियां जो है वो घर नहीं पहुंची है। आज सुबह से यह वाकया देखा जा रहा है कि हर एक पालक हर अभिभावक अपने बच्चों को अपनी बेटियों को स्कूल के अंदर पहुंचाने के लिए आ रहा है, महाविद्यालय तक पहुंचाने के लिए आ रहा है। पालक स्कूल और शाला के बाहर अपने बच्चों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज पालकों द्वारा अपने बच्चों को अभिभावकों को स्कूली ऑटो से स्कूली वैन से नहीं भेजा गया, जबकि पालक अपने बच्चों के प्रति सतर्कता बरत रहे हैं। बहरहाल इस मामले से पूरा पर्दा उठना बाकी है, लेकिन ये बात सामने आ चुकी है कि यह 2 छात्राएं कहीं गई थी जो घर लौट गई है, ऐसी जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही है। कैमरामैन प्रदीप के साथ नितेश किलेदार, सिटी न्यूज़, परतवाड़ा।